if I ask you? Don't hold back on me. Hey guys, good morning. So, आज है 21st January, Sunday है और हम लोग एक नए डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं. डिब्रूगढ़ के पास है लॉन्गडिंग करके जगह है जो अरुणाचल प्रदेश में आता है. लॉन्गडिंग और डिब्रूगढ़ से 138 किलोमीटर्स है. ये ज़्यादा फेमस प्लेस नहीं है, लाइक इतना टूरिस्टी नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि बहुत ही सीनिक रूट है, जो रोड है और फिर वहाँ की ग्रीनरी वगैरह. सो चलते हैं. साढ़े तीन घंटा गूगल बता रहा है, साढ़े तीन से चार घंटा लगेगा. रोड कंडीशन होपफुली अच्छा हो. और आज संडे है तो ये देखिए पूरा मार्केट लगा है डिब्रूगढ़ में, जो मंडी बोलते हैं. साइड साइड में, रोड के साइड में ही गांव के लोग सामान लेके आते हैं अपने खेतीबाड़ी से और यहाँ पे बेचते हैं. तो अपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, लास्ट आई थिंक दो वीडियो के पहले, कि हमारी जो गाड़ी है महिंद्रा सर्विस सेंटर में है, बनने के लिए गई है रिपेयर के लिए. जो मायोडिया पास में एक्सीडेंट हो गया था, थोड़ा सा लग गया था फेंडर और बम्पर पूरा ही टूट गया. सो उसके लिए महिंद्रा में पार्ट्स ऑर्डर किए. तो पहले तो महिंद्रा वाले बोले कि 45 डेज लगता है पार्ट्स आने के लिए, लेकिन हम लोग ने फिर ट्विटर में ट्वीट किया और फिर एक्सपेडाइट कर रहे हैं महिंद्रा वाले पार्ट्स. सो थ्री आई थिंक अराउंड 2 वीक्स में पार्ट्स आ गया था, लेकिन जो भी पार्ट्स आया वो डैमेज पार्ट्स आया, बोले कि ट्रांजिट में डैमेज हो गया. तो इसीलिए फिर रीऑर्डर हुआ है पार्ट्स. अभी अनदर 2 to 3 वीक्स लगेगा. सो हम लोग अभी उसीलिए I-20 में घूम रहे हैं. आप देख रहे हो पिछले 2-3 वीडियो में स्कॉर्पियो आपको नहीं दिख रही होगी, तो ये रीज़न है. सो थोड़ा सा मतलब इतनी क्या बोलते हैं, टॉप सेलिंग कार है स्कॉर्पियो एन, लेकिन पार्ट्स का दिक्कत है. पार्ट्स मतलब आने में 45 डेज लगता है महिंद्रा का. सो रेडीली अवेलेबल नहीं है, इट्स बम्पर एंड द फेंडर, जो कि रेडीली अवेलेबल होना चाहिए. बट एनीवेज लेट्स सी. हम लोग राजगढ़ पहुंच चुके हैं. यहाँ से 95 किलोमीटर दिखा रहा है लॉन्गडिंग. सो ऑलमोस्ट हम लोग वही 40 किलोमीटर आ गए हैं, 40 to 45 किलोमीटर. अब तो वो है रास्ता पहाड़ी टाइप का लग रहा है. मेरे ख्याल से अभी आगे जो बॉर्डर आएगा, बॉर्डर के बाद पहाड़ी होगा. सो ये वाला है दुलियाजान रोड, मतलब राजगढ़ रोड बोलते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज दुलियाजान, राइट हैंड साइड मोरान. राजगढ़ अभी पहुंचे हैं हम लोग. स्ट्रेट जाना है हम लोग को टुवर्ड्स हापे खाती. वेलकम टू सराइडो डिस्ट्रिक्ट. सो हम लोग सराइडो अभी क्रॉस कर रहे हैं. आपने बोर्ड देखा, वेलकम टू सराइडो डिस्ट्रिक्ट था. तो ये सराइडो एक फेमस प्लेस है. पहले ये सिबसागर डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था, लेकिन अभी ये अलग से एक सराइडो डिस्ट्रिक्ट कर दिया है. ये जो आहोम किंगडम था, तो आहोम किंगडम का जो क्रिमेशन ग्राउंड्स बोलते हैं ना, बरियल ग्राउंड्स, तो यहाँ पे है. तो मैदान्स बोलते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे मैदान है आहोम किंगडम के. जो जितने भी आहोम किंगडम के किंग्स रहे और जितने भी मार्शल एम्प्लॉयज थे, सबके बुरियल ग्राउंड्स यहाँ पे है. सो कल है राम मंदिर का उद्घाटन. सो कल प्राण प्रतिष्ठा है राम लल्ला जी का. तो आप देख सकते हो इवन असम में भी सब लोग फ्लैग, राम जी के फ्लैग दुकानों में, घरों में लगा रहे हैं. और कल को
मोदी जी बोले हैं कि दिवाली मनाओ, इस साल दो बार दिवाली मनेगी, तो हम लोग भी दिया विया जलाएंगे कल को। लेकिन आप देखिए पूरा ऑरेंज कलर के फ्लैग्स कितना सुंदर लग रहा है। सो सापे घाटी क्रॉस करके आ गए हैं और आगे अभी कानूबाड़ी है और कानूबाड़ी में ही बॉर्डर है, असम और अरुणाचल का बॉर्डर। लेट्स सी, हम लोग ने इस बार ऑनलाइन ILP तो नहीं बनाया है, जाने देते हैं नहीं जाने देते, विल फिगर इट आउट। तुमको देख रहा है एक लेयर पहाड़ों का, तो बाहर दिखना शुरू हुए हैं, लेकिन धुंध है। एक चीज देखो, आसाम के अंदर तुम्हें मतलब क्लियर दिखता है, लेकिन जैसे ही तुम अरुणाचल के अंदर जाओ ना, मतलब पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है, ग्रीन, हर चीज पत्ते इतने बड़े क्लीन क्लीन और सब कुछ, धुंध और धुआं ये सब हट जाता है दूर दूर। अभी एक्चुअली जब से वो माघ बिहू हो गया है ना, मेजी जलाया गया, बॉनफायर तुमने देखा होगा, तो तब से बहुत एक स्मोक हो गया है। ये सही है, स्मोक उसी वजह से हुआ है, जैसे वहां पर अपने हरियाणा और दिल्ली का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ज्यादा हो रखा, क्यों पराली रैली जलाई जाती है जो वहां पर, उसकी वजह से, तो वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ भी वही चीज है, अभी बिहू में इतना जलाया गया कि सब कंट्रीब्यूट कर दिया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स डाउन हो गया होगा। तो ये यहीं पर ILP बन गया ना? ILP नहीं है, ये टेम्पररी पास है। और टेम्पररी पास है। गुड। 50 रुपीस पर पर्सन है, तो 270 लिए हैं भैया ने। इसको यहाँ जमा करना है। तो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया प्रोजेक्ट अंडर कानूबाड़ी फॉरेस्ट डिवीजन। डिब्रूगढ़ से अराउंड 50-60 किलोमीटर है यहाँ तक, और अभी लॉन्गडिंग तक 44 किलोमीटर दिखा रहा है एज पर जो साइन बोर्ड लगा है। और यहाँ पे कानूबाड़ी में हम लोग ने टेम्पररी पास बना लिया है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ILP नहीं चाहिए है, बस टेम्पररी पास देते हैं जो आपको वापस आते समय फिर जमा करना पड़ेगा, अराउंड 50 रुपीज पर हेड के हिसाब से। चलिए चलते हैं, पहाड़ शुरू हो गया है, होपफुली अभी जो सीनरी है वो चेंज होगा। जो अरुणाचल है वो बॉर्डर शेयर करता है ऊपर की तरफ चाइना से और नीचे की तरफ म्यांमार से, तो अभी ऊपर की तरफ तो हम लोग बहुत गए हैं, जैसे मेचुका हो गया, पासीघाट हो गया और फिर जीरो हो गया, सो ये ऊपर की साइड है। अभी जो है ये जो लॉन्गडिंग है ये साउथ वेस्ट साइड पे है और म्यांमार बॉर्डर की तरफ है। तो मैं आपको मैप ये दिखा देती हूँ, कुछ ऐसा दिखता है इंडिया मैप में। ये सब झाड़ू गस है क्या? झाड़ू के पेड़ है, ये झाड़ू जो स्ट्रेट स्ट्रेट दिख रहा है ना, ये देखो ना सामने। अच्छा, गिरते हैं झाड़ू को, उसमें झाड़ू जब झाड़ते हैं तो उसमें कुछ कुछ निकलता है, इसमें तो है नहीं, अभी छोटा है ना, यही सेम है। तोड़ना है एक, जब तोड़ना छीलोगी तो अंदर निकलेगा। तो अरुणाचल का झाड़ू बहुत फेमस होता है, मिलेगा तो ले जाएंगे। ये तोड़ के बनाओ तो बात अलग है, क्या लेके खरीद के क्या जाओगी, पूरा परिवार है। उठाओ 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 उठाओ, जल्दी उठाओ, देखो एकदम पूरा लाल। ये देखो ये कड़कनाथ टाइप लग रहा है, लेकिन है ये कड़कनाथ, ये कड़कनाथ जंगली है। ये देखो झाड़ू सुखाया है, देखो 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 देखो, नाइस पूरा झाड़ू, यही तो है सब काट काट के। खेती करते हैं लोग, लगा रहे हैं, यही तो जाता है ना।
ये है जेडुआ और जेडुआ के बाद है लाउंडिंग। रोड कंडीशन बहुत बढ़िया है और साइड में जो सीनरी है वो भी बहुत सुंदर है। आगे देखते हैं क्या है देखने के लिए लाउंडिंग में। वेलकम टू होमस्टे भी है। पूरा स्टॉक ह्यूमन ह्यूमन नहीं है, अंदर कुछ और है। मानवीज फूड। वाओ मानवीज हंग्री हंग्री है तभी ठुनठुन आ रही थी। पिकनिक स्पॉट नहीं धोबी घाट स्पॉट। सब कपड़ा धो रहे हैं। एनीवेज यहाँ पे कोई एक पिकनिक स्पॉट है जो लोग आके यहाँ पे पिकनिक मनाते हैं। कुछ है नहीं करने के लिए सो वी आर गोइंग टू अ पिकनिक स्पॉट। रिवर टीसा एक है तो उसके साइड में देख रहे हैं। थोड़ा सा ऑफ रोड है। Come on, we. Wow! Oh, water! Manvi, water! Manvi को अच्छा लग रहा है बाहर अभी। बाहर अच्छा लग रहा है। Yes. Wow, it's water river. What's that? What's that, Manvi? It's water. चलो भूख लग रहा है भाई, कुछ खा लेते हैं। घर से बना के लाए थे, so पिकनिक ही करते हैं। लॉन्गडिंग में इधर का पानी थोड़ा सा मटमैला है। तुम खाओगी? तुम थोड़ा सा इसको चखा दो। मानवी तुमको बिना जान वाला देता है। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। ए मानवी नो। इतनी बड़ी पूरी नहीं है। और कर छोटी और छोटी करो। हाँ बस और कहाँ से लग खाएगी अभी। ये पूरी सही लग रहा है। नहीं नहीं बहुत है बहुत है इसमें। तुम खाओ ना। नहीं नहीं आता और कौन? हाँ पापा की मानवी। एक बार पापा एक बार मानवी। अब सारे लग बंद मानवी। हाँ हाँ इनको खिलाओ। पूरी खा के पानी पीती है बड़ी लड़की की तरह। और बाहर निकालती भी जब मजा करना होता है। बिस्लरी से डायरेक्ट। बेटा कहाँ तुम सरलेक और खाओगी। चाय का भी इंतजाम रखा है। होटलों में जब कॉफी काउंटर होता है उससे हम ये लेके आते हैं। लेके नहीं आते, ये बोले उससे चुरा लेते हैं। वो हम लोग के लिए होता है। अच्छा अच्छा मतलब यू कैन टेक इट कैरी इट। हाँ वैसे
मैंने एक रील देखा था कि इट्स एक्चुअली फॉर यू, आप उसको चाहे वहीं छोड़ दिए चाहे अपने साथ कैरी करके ले जाइए, बस होटल की चादर तक मत लेके जाइए। डिप डिप डिप, नदी का हवा, ठंडी हवा, नेस्कैफे कॉफी, डिप डिप, वाह व्हाट ए, ये मजा कहाँ मिलेगा और क्या, ठंडक में कहाँ मिलेगा ऐसा नदी किनारे, नेस्कैफे डिप डिप। हाय लड़की, ठंडा हवा, बस बंद कर दो, हो गया भाई, चले वापस चले, लेट्स गो, चलो आ जाओ, तुम भी बाहर आ जाओ, वेट 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 वेट, पीछे आओ पीछे रहो, पिक्सी को भी खिला दिया है, हगा मुटा दिया है, ये भी पूरी खा के निकाल दी है, आओ डायपर चेंज करें, लेट्स चेंज द डायपर, चलो चलो डायपर, न्यू डायपर, यस यस दिस इज योर डायपर, लेट्स चेंज इट। सो मानवी के लिए मैं यूज करती हूँ लव लैब का सुप्रीम पैंट्स, ये साइज एल में है जो 9-14 केजीज के लिए है, कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही सॉफ्ट कॉटनी मटेरियल से बना हुआ है, इसमें एलो एक्सट्रैक्ट है जो कि रैश से बच्चे को प्रिवेंट करता है, आप इलास्टिक देख सकते हो, बहुत कसा हुआ इलास्टिक नहीं है, बहुत ही अच्छे से हग करके रखता है, इसमें देखिए लाइन बना है, अगर मानवी सूसू कर दी तो ये लाइन ब्लू हो जाता है, उससे पता चलता है कि डायपर चेंज करने का वक्त आ गया है, इस ये 12 आवर प्रोटेक्शन देता है, रात को मैं एक डायपर से ही काम चला देती हूँ, लाइक मैं अगर सुलाते समय चेंज करती हूँ तो मॉर्निंग ही फिर उसका बदलती हूँ, रात को सेकेंड चेंज करना नहीं पड़ता, ये लीक प्रूफ है, लीक नहीं होता है, और बहुत ही एब्जॉर्बेंट है, इसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत है, और आराम से मानवी इसमें हैप्पी रहती है, खेलती रहती है, एक्टिव रहती है, कोई इशू नहीं रहता है, है ना मानवी, लेट्स चेंज द डायपर, यही धुला दे पानी में, सीधे पे बैठा ही दो, इसको लेटाओ भाई, जल्दी लेटाओ, चलो बहुत तेज बदबू मार रही है, खाना पीना खा लिया, हग मुठ लिया, मतलब पिक्सी और मानवी ने डायपर चेंज कर लिया, वापस जा रहे हैं, 2 बजने वाला है, निकल जाते हैं, और अभी जाते में भी 3-3.5 घंटा लगेगा, अंधेरा हो जाएगी 4:30 बजे तक, निकल लेते हैं उसी लिए, वैसे लोंगडिंग इट्स अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल में, और रोड कंडीशन अभी अच्छा है, उसीलिए लोग जानते हैं डिब्रूगढ़ तिनसुकिया जो भी पास आसपास रहते हैं वो पिकनिक मनाने आते हैं, उनके लिए एक लॉन्ग ड्राइव भी हो जाता है, और रोड भी अच्छा है, सीनिक ब्यूटी है बस, तो उसीलिए अच्छा है, वैसे रहने का और खाने पीने का इतना तो ऑप्शन हमको दिखा नहीं, एक दो है लॉन्गडिंग रिजॉर्ट करके, वो भी शायद नीचे तक जाना पड़ता है, तो आप देख सकते हो गूगल में, बट हाँ एज अ लॉन्ग ड्राइव अगर आप डिब्रूगढ़ तिनसुकिया से करना चाह रहे हो या दुलियाजान में रहते हो तो कर सकते हो, इवन सिपसागर से भी पास है, जो हाईवे है वहाँ से अगर स्ट्रेट जाएंगे तो वहाँ पे खोंसा करके एक जगह है जो म्यांमार बॉर्डर है, तो वहाँ का रोड शायद अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग को जहाँ पे हम लोग ने टेम्पररी पास लिया वहाँ पे बोले कि तीसा तक जा सकते हैं, रोड अच्छा है, उसके आगे रोड इतना अच्छा नहीं है, तो I-20 का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है, आराम से उतारना, फिसल रही है हमारी, कब स्कॉर्पियो बन के आएगी हर जगह बस स्कॉर्पियो ही दिखता है मुझे, बढ़िया बारिश गिर रही है थोड़ा थोड़ा, और अरुणाचल की ब्यूटी है बस इसी वजह से एक लॉन्ग ड्राइव मार दी, लेकिन एक चीज तुमने देखा यहाँ पर एक भी तुमको मिथुन नहीं मिले, हाँ इस रोड पे मिथुन नहीं, ये मुर्गी हम ले चलेंगे घर में पालेंगे क्या, ले लो उठा लो उठा लो, ब्यूटीफुल व्यू, क्या देख रहे हो इस तरफ, मेरा पोज तुम कर रहे हो, देखो अच्छा, ओ वाओ अच्छा, यही तो है जो वीडियो में आता है, यही तो है, नाइस, हम लोग वहीं से आए हैं क्या, वहीं से आए नीचे से, वो देखो ना ब्रिज, हाँ नाइस, ड्रोन इफ आई एस्क यू।
लगा ये झाड़ू है लेकिन पापा बोले ये झाड़ू नहीं है, ये डिफरेंट है, ऐसा दिखता है। तो गोल्डन दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना, सुनहरी। हाँ कोहुआ, ये भी झाड़ू का काम कर सकता है। झाड़ू दिख गया, ये वाला है झाड़ू, ये है झाड़ू। हाँ ये तो झाड़ू, झाड़ू का प्लांट ये सर है ना। सो ऐसे ही बहुत सारे इकट्ठा करके झाड़ू बनाया जाता है। नीचे से तोड़ते हैं एक्चुअली अगर जब झाड़ू बनाते हैं। सो ये देखिए ये ग्रीन रहता है, फिर सूखने के बाद ये ब्राउन हो जाता है। नाइस, एक तो मिला, तीन चार मिलते तो मैं झाड़ू पूरा ही बना ही लेती। हाँ वहाँ है। तो ये बोले मैंने मैंने ड्रॉकर 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 नहीं था, ड्रॉकर नहीं पूरे बोले। ये है झाड़ू, एक डंडी झाड़ू का। गाड़ी के ऊपर झाड़ू लगा रहे ड्राई करे पे तो कि झोड़े है ना। नाइस। लोकेशन कितना अच्छा लग रहा है, शाम का समय है तो अच्छा लग रहा है। और ये देखिए रोड ऐसे ही यू टर्न करके आगे से आ रहा है और ये पूरा एरिया झाड़ू की खेती होती है शायद, सबके घरों के ऊपर झाड़ू सुखा रहे हैं। ये सब झाड़ूओं के पेड़ हैं। कहता है किमन दास सर पहले तुम 30 रुपए में भी कम करा रहे हो उससे। ए राम, पहले देखो क्या हल्दी है, क्या हल्दी है, हल्दी हल्दी लेना आपको। हल्दी तो है, लेके रखा लेके रखा है।
तो ये हम लोग ने झाड़ू खरीद लिया रास्ते में, 25 रुपीस का पड़ा एक झाड़ू, वैसे 30 रुपीस वो बोल रहे थे, हमने ऐसे ही पूछा था कि कम हो सकता है क्या, तो उन्होंने 25 लगा दिया। तो वैसे ये झाड़ू डिब्रूगढ़ वगैरह में जब पूरा नीचे का नीचे जो देख रहे हैं क्यों खुला है, बस ऐसे ही बांध के रखा है, तो उसमें पूरा कैप वैप लगा देते हैं तो 60 रुपीस बेचते हैं। बैंगलोर में वही झाड़ू एकदम पूरा पैकेजिंग के साथ आता है तो 100 समथिंग, हमने तो एक बार 60 ऐसे लिया था, पता नहीं कौन सा झाड़ू था अमेज़न से प्लास्टिक का, तो वही लगा रखे प्लांट है हमने इसीलिए, हां वही एकदम पड़ा रहता है। तो ये नेचुरल फाइबर है, ये प्लास्टिक झाड़ू नहीं है, जो नेचुरल फाइबर वाला झाड़ू है। So, हम लोग पहुंच चुके हैं कानूबाड़ी और ये देखिए नीचे का नजारा, वो जो हाईवे आपको दिख रहा है ये वाला, इसी में ही जाना है हम लोग को, नीचे पूरा प्लेन है, वो आसाम है अभी अरुणाचल में। यस मानवी, चलो बढ़िया मानवी करी ड्रोन, ड्रोन व्यू, ड्रोन ड्रोन व्यू। थैंक यू विजिट अगेन एंड वेलकम टू असम NH-215। अभी पूरा प्लेन शुरू, ऐसा क्या होता है कि अरुणाचल घुसते ही पहाड़ स्टार्ट हो जाता है, अरुणाचल खत्म होते ही प्लेन शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे हमेशा रिवर को बॉर्डर बना दिया जाता है ना, वैसे पहाड़ों का जो फुट हिल है उनको सीधा अरुणाचल का बॉर्डर बना दिया गया होगा, किसी ने डिसीजन दिया होगा पठार मुझे दे दो और तुम पहाड़ तुम रख लो, हुआ होगा कभी डिसीजन। कानू टी गार्डन, बढ़िया सनसेट हो रहा है इस तरफ, सुनहरी लाल सन, मुश्किल से अभी देखिए टाइम 4:20 और सनसेट होने वाला है। कल सुबह जब मैं उठा ना तो सैटरडे मॉर्निंग, हमने कहा टाइम नींद जल्दी खुल गई, तो देखा घर में 6 बज रहा है, तो हमने कहा लाओ जरा अपना MI में तीनों घर देखें, रायबरेली वाला घर, बैंगलोर वाला घर, यहाँ वाला घर, तो कैमरे में दिख रहा है MI जो होम सिक्योरिटी कैमरा है उसके ऐप में दिख रहा है, यहाँ पर बढ़िया उजाला हो रखा है, लोग चहल पहल कर रहे हैं, रायबरेली में गुप्त अंधेरा, सुबह बिल्कुल कोहरा वोहरा छटा, बिल्कुल अंधेरा, और बैंगलोर में तो खैर घर के अंदर रखा हुआ है तो हल्की हल्की लाइट आ रही थी, लेकिन वहाँ भी अंधेरा टाइप ही था, तो मतलब एक ही ऐप में तीन जगह देखा, टाइमिंग सेम हो रहा है लेकिन इधर उजाला उधर अंधेरा। तो हमें आई स्टिल स्ट्रांगली फील कि इंडिया में दो टाइम जोन होने चाहिए, लेकिन इतना लैंड वो जैसे US में एरिया ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उनका ठीक है, यहाँ पे एरिया वाइज कम है ना, तो इसलिए दो टाइम जोन मेंटेन करना भी मुश्किल होगा। घर वापस तो आ गए हैं, टायरिंग डे रहा क्योंकि गाड़ी छोटी है ना, हम लोग को भी इतना टायरिंग लगता है, पापा मम्मी को तो और टायरिंग लगता है I-20 में है ना, स्कॉर्पियो कंफर्टेबल है ना, ये देखो स्कॉर्पियो पीछे बनने से प्रॉब्लम पकड़ लेता है तो कल मॉर्निंग तो हो जाए, ठीक हो जाए अंदर लहसुन डाल के दिया, कहते हैं जब किसी को कुछ भी खाने पीने का देते हैं आसाम में या तो लहसुन या मिर्चा डाल देते हैं कि रास्ते में कहते हैं कोई चुड़ैल ना पकड़े या कोई खाना ना खा जाए, मतलब इट्स मान्यता, सो मान्यता ये है कि आप जब भी किसी के हाथ कुछ खाना भेज रहे हैं या किसी को दे रहे हैं
एक मिर्ची या लहसुन डाल दीजिए। तो इसके बहुत से और भी रीजन है, बताइएगा अगर आपको मालूम हो। राइस बियर हसपनी है, हसपनी सो ये सेकेंड स्टेज वाला है। जो फर्स्ट स्टेज वाला होता है बिल्कुल कंसेंट्रेटेड होता है, लेकिन वो क्या है कि व्यू वाले दिन ही खत्म हो गया तो बड़ी मुश्किल से मिला है। तो ये है सेकेंड स्टेज, जो थोड़ा सा वाटर मिला देते हैं, डाइल्यूटेड है और इसमें भी गैस बनता है। तो देखिए ऊपर एक छेद मार रखा है इसमें, फिर भी खोलता है तो आराम से बोलने का। चलो आराम से खुल गया, तो हिला लेते हैं पहले। आप लोग बोतल देखोगे तो कहोगे अरे ये कैसा है ये, बट जो मेन आइटम है वो ज्यादा अच्छा है अंदर का। सो थैंक यू उदित। तो आप ये उदित जो है पल्लवी का स्कूल में पढ़ा हुआ है, शायद जूनियर है और वो हमारा सब्सक्राइबर भी है, तो उस तरह से हम लोग मिल गए थे। तो अभी क्या है, आना जाना हो जाता है, साथ मिलना घूमना, एक अच्छी एक फ्रेंडशिप बन गई है। टकीला शॉट मारोगी इसका? पीके बताओ कैसा है, टकीला शॉट की तरह मत मारो। तो देखने में तो बढ़िया लग रहा है, जैसे वो लीची का जूस। चीयर्स। देखिए मतलब ये मुझे टेस्ट वही वाला आ रहा है जो अपना अनिनी में खा पिए थे ना, खट्टा खट्टा, लेकिन इसमें पता चल रहा है कि हल्का सा पानी मिला हुआ है, थोड़ा सा डाइल्यूटेड लग रहा है, क्योंकि वहां वाला शायद कॉन्सेंट्रेटेड था उसने दिया था, उसमें राइस या कुछ ऐसा व्हाइट तैर भी रहा था। बट अगेन इट इज वेरी गुड, पीने मजा अन्नज गया ना यहाँ पे ऐसे गरम। तो पता चल रहा है धीरे धीरे आएगा। हम एक बार बहुत पहले नेपाल गए थे, ये लोग कोई नहीं गया, नेपाल में थुपका खाया, साथ में कहता आपको क्या चाहिए, हमने कहा बियर दे दो, तो कहते मिलेट बियर लोकल, तो मिलेट क्या खूब सारा मिलेट पड़ा था और एक बड़ा सा केक टाइप का था जो पूरा जैसे एल्युमिनियम का था कुछ था, उसके अंदर पूरा मिलेट पड़ा हुआ है और ऊपर से एक पाइप, और उसमें पियो तो क्या टेस्ट। वो नेपाल वाला फिर से एक बार कभी जाएंगे नेपाल आप लोग को जरूर दिखाएंगे वो चीज, मस्त था। तो ये वाला बियर, ये वाला राइस बियर बढ़िया लगा, ये अच्छा लगा। थैंक यू उदित, थैंक यू सो मच। थैंक यू उदित एंड थैंक यू अनिंदिता। क्या मानू, एक हाथ से दूध पी रही हो और रामलला का प्राण प्रतिष्ठान देख रही हो। गायक मौजूद है करण अर्जुन, शायद पूरी दुनिया आज की डेट में उनसे परिचित भी है। मैं बिना समय बर्बाद करे इनसे आग्रह करूंगा, आज बड़ा मौका है, प्राण प्रतिष्ठा है, कुछ सुना दीजिए। इट्स इवनिंग टाइम मानवी, चलो दिया जलाए, विल लाइट दिया, विल लाइट दिया, चलो विल सेलिब्रेट दिवाली। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊं। What is this? Diya. Manvi, say Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Oh, वहाँ पर देखो दिया जला हुआ है। ड्रोन से उड़ा है, दिवाली दिखेगी सबके घर में। लाइट होता है ना तो उसमें जय श्री राम। Whose birthday is tomorrow?